जैसा कि हमने आपको बताया था कि पीयूष ने मुद्दा शांत कर दिया है और इन्होंने हमें कुल्फी की पार्टी देकर मुद्दा और भी दबा दिया है। अच्छा जी, तो गाइस स्वागत है आपका कटरा के मेन बाजार में। ठीक है निखिल भाई, जय माता दी। चलो कटड़ा शहर चलिए, चलो कटड़ा शहर चलिए, चलो कटड़ा शहर चलिए, चलो कटड़ा शहर चलिए, साढ़े मां दी उधर दर्शन चलिए, साढ़े मां जी उधर दर्शन चलिए, साढ़े मां दी उधर दर्शन चलिए, साड़ी मारेंगी उद दर्शन चलिए, चलो कटड़ा शहर चलिए, कटड़ा शहर चलिए, चलो कटड़ा शहर चलिए, कटड़ा शहर चलिए, उठ साड़ी मारेंगी उद दर्शन चलिए, उठ साड़ी मारेंगी उद दर्शन चलिए, उठ साड़ी मारेंगी उद दर्शन चलिए, चलो कटड़ा शहर चलिए, कटड़ा शहर चलिए, उत्ते साड़ी मारें दी उत्ते दर्शन नूं 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 चलिए। बाबा के दर्शन के लिए दर्शन करते हैं, कुछ फोटो क्लिक करेंगे, उम्मीद है ऊपर भी रश होगा, उसके बाद आपको आगे मिलते हैं। फाइनली हमने भैरव घाटी में भैरव जी के दर्शन कर लिए, अब हम यहाँ फोटो पॉइंट पे आए हुए हैं, यहाँ पे फोटोज की क्लिक करते हैं, थोड़ा आपको व्यू दिखाते हैं, चेक करो, बहुत बढ़िया दर्शन हो, अब इसके बाद जाएंगे नीचे, वो आपको दिखाएंगे। अपनी यात्रा पूरी कर ली है, भैरव घाटी पे दर्शन करके आ रहे हैं, भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे आ गए हैं, टाइम हो रहा है 10:35, हमारी 1:30 बजे करीब यहाँ से ऑटो वो है जो हमने पकड़ के नीचे अस्पताल तक जाएंगे, अभी हम सागर रत्ना पे बैठे हैं, आने का वेट कर रहे हैं पूरा हमारे साथ, हमारे अपने पूरे सहयोगी के साथ, सो इसके बाद हम आपको सीधा पदकवारी पे मिलते हैं। बाय। हमारी वो बस ही लेट हो गई थी, तो वो हमारी 1:30 बजे की, हम सवेरे की वेट कर रहे हैं, वेट कर करके थक गए थे, तो हमने एक लूडो का मैच शुरू कर लिया जिसमें चलो मैं पापा मन खेल रहे हैं, अगला नंबर गोरी भाई का, इसके बाद हम बस अब हमारा टाइम होने वाला 12:45 होगा, उसके बाद जाके देखते हैं टिकट के अपना नीचे। तो गाइस आप मेरी शाम के आउटफिट देख सकते हैं, मान गए सभी हम मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा वहाँ प्रसाद छू लेते हैं, अपना डिनर करेंगे, वापस रूम्स पे आ जाएंगे 10 बजे करीब, यहाँ से निकलेंगे रूम पे से, क्योंकि 11 बजे की हमारी ट्रेन है। बाकी चलो आपको आज मार्केट घुमाते हैं कटरा की, एक बारी पहले बार मैंने ब्लॉग में दिखाई थी, लेकिन आज फिर मार्केट में घूम के आते हैं। भैया जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बताइए। रोड ना हाँ रस्ते हैं। अच्छा ले लेंगे, कोई बात नहीं भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं इस वक्त कटरा की मार्केट में, कटरा की मार्केट देखो कितनी खूबसूरत, यहाँ उन्होंने आइसक्रीम ली है सबने,
हाँ जी जरूर जरूर सर बताइए कैसा है आपको टेस्ट। आपको बताया था कि मुद्दा हमने शांत कर दिया था, पीयूष जी ने हमें कुल्फी के पार्टी दे गए। तेज बोलिए गौरी जी थोड़ा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पीयूष जी ने मुद्दा शांत कर दिया है, इन्होंने हमें कुल्फी के पार्टी दे के मुद्दा और भी दबा दिया है। अच्छा जी, तो गाइज आप भी अपने कमेंट में व्यू दें कि आपको इनका मुद्दा दबाने का तरीका कैसा लगा। बहुत बढ़िया, हमारे शायद अगले साल के फॉरेन कंट्री के अंदर मिले, ठीक है, तो वहाँ से भी लाइव दिखाया जाएगा, ठीक है जी। तो ये चाहेंगे कि अंकल जी को टिकट प्रोवाइड कराएंगे, जानते सर कोई काम नहीं करेंगे, वहाँ से एक नेम भी लाएंगे हम। ओगर साहब के पास भी अब आइसक्रीम आ गई है, अब ये खाते खाते पूरी मार्केट का लेंगे हम आनंद, तो करते हैं मौज, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस स्वागत है आपका कटरा के मेन बाजार में, अभी हम जा रहे हैं प्रसाद लेने, उसके बाद आके हम खाना खाएंगे अपन अंदर मस्त। और व्यू देखो शाम को कितना बढ़िया हो गया, पूरे बादल। तो गाइस अभी हम कटरा के मेन बाजार में आ चुके हैं, तो अभी आगे आगे देखते हैं हमने कहाँ कहाँ क्या क्या सामान लेना है, यहाँ थोड़े सामान लेंगे उसके बाद खाने जाएंगे वहीं मेन बाजार के बाहर एक शॉप में, आपको वो भी दिखाता हूँ अभी जहाँ पे हम रुकेंगे। तो चलिए हमने फाइनली प्रसाद ले लिया, अब हम बाहर की तरफ आ गए, तो हम जा रहे हैं अपना रेस्टोरेंट खाने, खाना खाते हैं उसके बाद चलेंगे होटल वापस। तो आज की हमारी ट्रेन है 11 बजे की, 10 बजे होटल छोड़ेंगे अपने, मतलब चेक आउट कर देंगे होटल से 10 बजे, उसके बाद चलेंगे स्टेशन, वहाँ जाके वेट करेंगे ट्रेन की। वैसे स्टेशन जाते टाइम लग जाएगा, इतने में लगभग 10:30 तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद 11 बजे की तो ट्रेन फिर है ही है। तो ठीक है गाइस, व्यू यहाँ पे चेक बढ़िया हो रहा है, एक बार वो भी चेक करो आप लोग। हम वहीं अपनी पुरानी जगह पे आ गए, लक्ष्मी वैष्णो ढाबा, यहाँ से वाटर व्यू भी बहुत बढ़िया आ रहा है, मैं आपको व्यू देख चेक करता हूँ। खाना भी ऑर्डर कर दिया, पीछे आ गए चेतन जी हमें ढूंढ रहे हैं, कौन जी दिख रहे देखो आगे, तो भी हम आपको व्यू भी दिखाते हैं यहाँ से, बहुत बढ़िया। आपने देखा यहाँ पे फुल व्यू आ रहा है बाजार का, मस्त बिल्कुल एक्सपीरियंस हो रहा हमें, तो एसी भी नहीं चल रहा ठंडा। खाना ऑर्डर कर दिया, खाना आ रहा है, बस फिर खाने में मिलते हैं। टाइम हो गया 8:48, खाना दिखा दें आप हमने क्या कहते हैं। सो हाँ जी दोस्तों थाली आ चुकी है, खाने का इंतजार है गाइस, हमने हमारा खाना आ गया, दाल अभी आ रही है, ये हमारे प्यारे प्यारे बटर रोटी और कढ़ाई पनीर, दाल अभी कर मंगा दी है, दाल अभी आ रही है। इस खाना हो गया डन, टाइम हो गया 9:16, तो इसके बाद हम जा रहे हैं अब सीधा होटल। खाना बढ़िया था, पनीर की सब्ज़ी बढ़िया नहीं थी, हम बिल्कुल टेस्ट है उसमें मज़ा नहीं आया, पनीर की सब्ज़ी खा के दवा के साथ बहुत स्वाद। ये सबकी वो देखो, सबकी प्लेटों के अंदर पनीर की सब्जी बची बड़ी, इतनी बेकार सब्जी थी भाई साहब, पनीर की जेब में भाई मेरे। अगर आप यहाँ आ रहे हैं पनीर की सब्जी मत मंगाइए, पर्सनल रिकमेंडेशन है, बाकी सब ओके भाई। खाना वाना हो गया, अब हम दोबारा कुल्फी वाले पे आ गए हैं, अंकल जी की कुल्फी 20 रुपये, वो पहले वाले अंकल उन पर स्टॉक ख़त्म हो गया था, उन्होंने नवे बंदे बेचे हैं स्टॉक कूल के साथ। पहली शिफ्ट में हमारे अंकल जी और गौरी जी जा रहे हैं, सामान कितना किलो फाइनली हमारा ट्रिप बहुत इंजॉयबल थी। टाइम हो रहा है 9:45, अब हम होटल छोड़ के जा रहे हैं, पैक वैक सब के पैक हो चुके हैं अपने, तो एक गाड़ी वो बाहर लेके जा रहे हैं, दो शिफ्ट में बंदे जाएंगे हमारे, तो आपको मिलते हैं ऐसे किसी एक और नवे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो अब हम जा रहे हैं स्टेशन, फिलहाल स्टेशन जाके ट्रेन की वेट करते हैं वहाँ। हाँ जी गाइस, अब हम पूछते हैं कैसा रहा हमारे मम्मी पापा का एक्सपीरियंस, ज़रा बताइए। मम्मी
माता रानी की कृपा से बहुत बढ़िया दर्शन होंगे। आप भी माता रानी की कृपा से हर साल ऐसे दर्शन हो और हर साल माँ माई बुलाए और हर साल माँ के चरणों में हम मत्था टेकने आए। तो आइए दोस्तों जयकारा लगाते हैं। जयकारा साचे दरबार की जय। ठीक है गाइस, निखिल भाई से। ठीक है निखिल भाई, जय माता दी। अगले साल भी जरूर मिलेंगे छुट्टियों में। ठीक है भैया। तो ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं स्टेशन के ऊपर अब आप लोग। सो हाँ जी दोस्तों, फाइनली पहुंच गए हैं स्टेशन के ऊपर। भैया हमें लेके आए थे अपनी ऑल्टो में, दो जने रह गए हैं वो भी आ रहे हैं और बाकी पहुँच गए सामान के साथ। और टाइम हो रहे हैं 9:59, ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं। बस अपने बाकी बंदे आ जाएं, उसके बाद चलते हैं स्टेशन की तरफ। वहाँ ट्रेन देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी अपनी। बाकी बहुत मज़ेदार ट्रिप था हमारा, माता रानी ने बहुत बढ़िया रखा, फुल मौज करवाई। हम फाइनली पहुँच गए हैं स्टेशन के ऊपर। अब यहाँ से बैग चेकिंग के लिए रखवाते हैं और चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म 1 पर जहाँ हमारी ट्रेन आनी है। खड़ी हुई तो डब्बे में बैठ जाएंगे, नहीं तो इंतज़ार करने के अलावा दूसरा ऑप्शन है ना। हाँ जी गाइस, टाइम हो रहा 10:40, ट्रेन में हम आ चुके हैं, सीटें हमें मिल चुकी हैं, तैयारी कर ली है सोने की, अब सो आ जाएगा और सवेरे हम स्टेशन पहुँच जाएंगे अम्बाला कैंट सुबह लगभग 7 बजे। वहाँ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हाँ जी गाइस, फाइनली टाइम हो रहा है 7:10, हम अम्बाला कैंट पहुँच चुके हैं। ट्रेन आउटर पे पहुँच रही है, बस आउटर से निकल चुके हैं, स्टेशन पे अराइव कर रही है। और हमारे गौरी जी के डोले देखो, गौरी जी एक बारी फ्लैक्स करो। और छोड़ तो दो, फ्लैक्स तो करने दो भाई। भाई यूं ऐसे करके, ऐसे नहीं भैया, ऐसे हमारे डोले की क्रीज खराब हो जाएगी। अच्छा जी, जिनकी डोले की क्रीज खराब, हमारे भाई के डोले की क्रीज खराब हो जाएगी। गाइस ये पीयूष जी ने रात गफला किया था, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या करना चाहेंगे। पीयूष जी जो आपने घड़ी वाला गफला किया था, देखो मैंने तो अच्छी खासी घड़ी चुरा ली थी, मैंने सोचा घर पे जाके निकालूंगा, इस बंदे ने मेरे को फंसा दिया। चेतना रंजलि आ गए गाइस, ठीक है। गोरा भाटिया जी पहुंच चुके ये हमारे पीयूष जी, अगले साल फॉरेन कंट्री कौन से देश में जाने वाले हैं, इनसे मैंने डिमांड करी है एक मतलब जहाज और एक मीम, दो चीजें के साथ लेके आए ताकि एज ए गिफ्ट। ये अंकल बात अभी आंटी से बिना पूछे कर रहे हैं, या हो सकता है अंकल को मीम का मतलब ना पता लगा। तो हमारी ट्रेन जा रही है अपनी अगली मंजिल की तरफ। गाइस फाइनली हम स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, अब घर को प्रस्थान कर रहे हैं, ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो करेंगे अब और चल रहे हैं सीधा घर को। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और नवे इंटरेस्टिंग मज़ेदार ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए टाटा, मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और नवे ब्लॉग में। सो बाय बाय, जय माता।